बहुत तकलीफ चल रही है, किसी वृक्ष के नीचे, किसी गमले में या अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग का निर्माण कर पांच बेलपत्र शंकर भगवान पर उनकी पांचों लड़कियों का नाम लेकर समर्पित, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, पांचों बेटियों का नाम लेकर पांच बेलपत्र समर्पित कर हाथ में दो लोटा जल लेकर शिवजी पर एक साथ धीरे धीरे धार लगाइए और एक घी का दीपक लगाकर प्रार्थना कर पांचों बेलपत्र उठाकर अपने घर में लेकर आ जाइए। ढाई महीने, ज्यादा से ज्यादा हम बोल रहे हैं ढाई महीने, पर विश्वास कहता है कि 15 दिन में वो दुख मिटेगा ही, वो तकलीफ कटेगी, वो कष्ट मिटेगा 15। केवल शिव की आराधना कर, आया दुख, आई तकलीफ, आया कष्ट, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। बिना शिव आराधना के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ बिना शिव आराधना के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। राम जी की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, कृष्ण भगवान की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, देवी जी की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, नारायण की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी। शिव आराधना केवल पूजन से ही नहीं होती, शिवराधना केवल पूजन से नहीं होती है। मंदिर जाओगे तो शिवराधना होगी ये भी पक्का नहीं है। शिवराधना किसको कहते हैं, हमने पहले अभी कुरुत की कथा में कहा था, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, किसी बच्चे को शिक्षा की जरूरत है, उसके पास धन नहीं है, उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन कराना, किसी को दवाई की जरूरत है उसको दवाई दिलाना, तुम्हारे घर पर दिया लग रहा है और सामने वाले के घर में अंधेरा है तो उसके घर में दिया जलाना, ये भी शिव आराधना। कोई छोटा सा बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाओ, या जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने पुरुष बैठे हैं और जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एक आप अपने लड़के को पढ़ाना और एक किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाना जिसको पढ़ने का शौक है और उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे को पढ़ाना। अपने बेटे को भी पढ़ाओ और बच्चे को भी पढ़ाओ, दोनों को पढ़ाओ, और पढ़ाते पढ़ाते जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा और जिसको तुमने विद्या अध्ययन कराया है, एक साधारण जिसको पहचानते तक नहीं है, उसको विद्या की जरूरत है, उसको पढ़ाया, एक बार आपका बेटा आपके सामने मुंह चला देगा, आपका बेटा आपका अपमान कर देगा, और जिसको तुमने एजुकेशन दिलाई है ना, जिसको पढ़ना था वो पैसा नहीं था उसको पढ़ाया है, वो मरते दम तक तुम्हारा एहसान माने, वो मरते दम तक तुम्हारा एहसान मानेगा। जिस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है उसको, उसके पास में पढ़ाई का पैसा नहीं है उसको पढ़ाइए, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है, उससे बड़ी कोई शंकर की आराधना नहीं है। एक श्रेष्ठता लाई है अपने जीवन में, श्रेष्ठ बहुत सच, और जब आप धीरे धीरे इस मंदिर नहीं भी जा रहे हो ना, और अगर किसी का भला कर रहे हो तो समझ लेना कि तुम्हारा मंदिर जाने के बराबर है। एक श्रेष्ठ वाणी दीजिए, श्रेष्ठ व्यवहार दीजिए, श्रेष्ठ कर्म दीजिए,
जानवर के दांत में जहर होता है। काय में जहर होता है? बोलो बोलो जम क्या है? जीव जंतु के दांत में जहर होता है। केवल एक मनुष्य ऐसा है जिसके दांत में जहर नहीं होता, जिसकी वाणी में जहर होता है। जानवर पशु के दांत में जहर होता है, केवल एक मनुष्य ऐसा है जिसके दांत में जहर नहीं होता, उसकी वाणी में जहर होता है। वाणी ऐसी बोल जाता है कि जहर उत्पन्न हो जाता है, वाणी ऐसी बोल जाता है कि विवाद उत्पन्न हो जाता है, वाणी ऐसी बोल जाता है कि लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। श्रेष्ठता उसको कहते हैं कि अपनी वाणी का सदुपयोग करिए। कितने दिन की कथा है? जम के बोलो जरा। 7 दिन की। आप सबसे निवेदन है, बैठने के चक्कर में अपनी पड़ोसन से बेर मोल मत लेना। कोई ने धक्का मार दिया, कोई ने तुम्हें खसका दिया, कोई ने कुछ बोल दिया, 7 दिन के चक्कर में बेर मोल मत लेना। 7 दिन तुम महादेव के और महादेव तुम्हारे हैं। 7 दिन ऐसी भक्ति करना कि शंकर भगवान की ऐसी कृपा हो कि भगवान तुम्हारी झोलियां इतनी खुशियों से भर दे कि आने वाले साल 2 साल में फिर शिव पुराण की कथा अमलेश्वर में हो जाए। ऐसी कृपा बाबा की। बोलबम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलबम का नारा है। सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनता है।